नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल में जिसका नाम है आर सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे सबसे बेस्ट लॉक्स के बारे में, कौन कौन सी बेस्ट एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हैं और जो बेस्ट एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल को सिक्योर कर सकते हैं। अपने पर्सनल डाटा को हाइड करने के लिए आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी चाहिए और किस तरीके से इन्हें यूज़ करते हैं, हम आज इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेटर। ये एक ऐसा कैलकुलेटर है जिसमें आप अपना किसी भी डाटा को हाइड कर सकते हैं। आप इसके बैकग्राउंड में आप इसमें ऐसा पासवर्ड सेट करेंगे कि आप इसको आराम से यूज़ कर, नॉर्मली आप इसे कैलकुलेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपना पासवर्ड सेट किया हुआ है 12 1823, तो जैसे मैं परसेंटेज का निशान लगाता हूँ, ये एक कैलकुलेटर, नॉर्मली कैलकुलेटर भी है और आप इसको एक अपना पर्सनल डाटा हाइड करने के लिए, एक सीक्रेट फाइल्स को हाइड करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें आप जैसे ही आप इसमें एंटर होंगे, आपसे पासवर्ड क्रिएट के लिए ऑप्शन किया जा कहा जाएगा। आप जैसे ही पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो उसके बाद आपको परसेंटेज का जो निशान है इस पर दबाना होगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक बार और पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद पासवर्ड कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आप हिडन डाटा है उसमें इस तरीके से आप एंटर हो सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप इसको बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी क्लॉक है जिसमें आप अपना पर्सनल डाटा हाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आप इसमें पासवर्ड सेट करेंगे, इस तरीके से आप अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए। और जैसे कि मैं सेट कर लिया है तो मैं इसको जो मिडल है यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद दोबारा पासवर्ड सेट करते हुए और ये जो गैलरी है ये हो गई है एक्टिवेट। और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपने फ़ोटो, वीडियोस, फाइलें, कैमरा, अदर न्यू फोल्डर्स बनाकर आप कुछ भी अपना डाटा यहाँ पर रख सकते हैं। और आपको एक नॉर्मली जो टाइम है वो भी टाइम बताएगी, बिल्कुल नॉर्मली घड़ी वॉच की तरह आप इसको अलार्म सेट कर सकते हैं आप इसमें। और जब आपको दोबारा इसको ओपन करना हो, अपने सिक्के आपने हिडन कर रखा है अपना डाटा, उसको खोलने के लिए आपको दोबारा मिडल में एंटर करना होगा और ये टाइम 12 बज जाएंगे। 12 बजने के बाद आप यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करके अगेन क्लिक करेंगे और आपका ये ओपन हो जाएगा। तो है ना दोस्तों, बड़े कमाल की। अब बात करेंगे हम गेस्ट लॉक स्क्रीन के बारे में। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो क्रिएट पासवर्ड मांगता है, तो जैसे हमने क्रिएट किया एंड इसी तरीके से हम दोबारा क्रिएट करेंगे, देखते हैं रिकवरी पासवर्ड। जैसे मैं 1234 डाल देता हूँ, 1234, तो ये पासवर्ड हो गया है सेट। तो जैसे कि ये नोट कुछ सेटिंग्स होंगी उसको हम ओके कर देंगे और इसके बाद हम जाएंगे बैक, लेट्स स्टार्ट। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको लॉक करते हैं तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो जैसे ही हम इसको 5 बनाएंगे तो ये पासवर्ड हो जाएगा ओपन। तो ये भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, इसमें अपना नाम, सिग्नेचर, कुछ भी इस तरीके से आप इसमें रख सकते हैं। अगला एप्लीकेशन है नॉक लॉक। तो ये जो एप्लीकेशन है ना होगा पासवर्ड सेट करने पर, आप जिस तरीके से भी पासवर्ड सेट करेंगे तो इस तरीके से ये पासवर्ड कंटिन्यू हो जाएगा। अब दोबारा से 1234 रिकवर पासवर्ड हम दोबारा एक्टिवेट कर देते हैं, डन। कुछ इस तरीके से आपका लॉक होगा आपके सामने, तो आप इसको बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आप जैसे एंटर होंगे आपको करना होगा पासवर्ड सेट, तो पासवर्ड सेट करने के बाद आप करेंगे इसमें एंटर, रिपीट, और उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स। आप इसको ख़रीदना चाहें तो आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ सेटिंग्स हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर वीडियोज़ रख सकते हैं, फ़ोटोज़ रख सकते हैं, अपने मोबाइल को लॉक कर सकते हैं, अपनी कोई भी एप्लीकेशन लॉक कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन। तो आप यहाँ से जाइए सेटिंग में और इसमें कुछ और ऑप्शंस भी आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि आप क्रिएट फेक वॉल्ट भी कर सकते हैं और आप इसमें ब्रेक इन अलर्ट्स भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर कोई पासवर्ड गलत डालता है, इसे ओपन करने की कोशिश करता है, तो ये उसका फ्रंट कैमरे से उसका फ़ोटो भी कैप्चर कर लेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है। नंबर दो आपको यहाँ से मिलता है इसको हाइड करने का, डिसअपीयर करने का स्क्रीन से, जो आपको वॉलेट है वो यहाँ पर आपको इन एप्लीकेशंस में दिखाई ही नहीं देगा।
हाइड कर देंगे तो डबल हैज यूज़ करने के बाद आपको अपना पासवर्ड डायल करना होगा और फिर कॉल या सेंड का ऑप्शन हिट करना होगा। उसके बाद आपका जो ये फंक्शन है, जो आपका हाइड गैलरी है, इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा ये फ्रंट आपको। तो दोस्तों, ये अब तक की बेस्ट एप्लीकेशन जिनमें आप अपने डाटा को हाइड कर सकते हैं बिना किसी को पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।